महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च न्याय का मंदिर है, सर्वोच्च न्यायालय है, और यहाँ की बार एसोसिएशन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। यहाँ का बार एसोसिएशन पूरे देश के अंतर्गत एक मंतव्य छोड़ सकता है, एक मैसेज छोड़ सकता है, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक महत्व होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, और अगर मैं जीत गया तो मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है। मेरा एजेंडा बहुत क्लियर इस मामले में है, तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में बहुत सारी दूरियां बढ़ गई हैं, इस मंतव्य को भी समझना होगा कि इसका क्या ऐसा क्यों हुआ। दूसरी चीज़ हो गई, आज वकीलों की बहुत सारी चीज़ें अभी न तो केंद्र सरकार हल कर पा रही है, न न्यायपालिका से ही पूरा उत्तरदायित्व मिल पा रहा है। कुल मिला के अगर मैं ये कह दूँ एक मतलब किसी लाइन में कि सामने ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो अपनी बुलंदी पे इतरा रही है, अगर इसके गमले के फूलों को सूंघो तो वकीलों के खून की बू आ रही है। वकीलों का पहला कर्तव्य होता है जनता जनार्दन की तमाम अभिव्यक्तियों को उचित माध्यम से प्रदर्शित करना। अगर उसमें रुकावट आती है तो वैसी रुकावट के लिए हमको लड़ाई छेड़नी पड़ती है, और अगर मैं चुना गया तो इन तमाम समस्याओं के लिए मैं लड़ूंगा, चाहे न्यायपालिका से लड़ना पड़े, चाहे सर्वोच्च न्यायालय से लड़ना पड़े, और चाहे कार्यपालिका से लड़ना पड़े, चाहे भारत सरकार से लड़ना पड़े, क्योंकि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। आज तक जो है भारत सरकार पूरे हर तरह की किताबों की कोई समुचित व्यवस्था के लिए कोई ग्रांट नहीं दे पा रही है। दुनिया भर के अनाप शनाप खर्चे मंत्रालयों में होते हैं, लेकिन कानून मंत्रालय आज सबसे उपेक्षित हैं। न्यायपालिका की इस दौर में जरूरी है कि वकीलों को सशक्त होना पड़ेगा, उनके सशक्तिकरण की लड़ाई मेरी पहली लड़ाई होगी।